बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 एंड वी हैव रेड अबाउट फर्स्ट यूनिट। देयरफॉर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड यूनिट। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 2। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं जी, पेज नंबर 12 है बच्चों, यूनिट नंबर 2 है। यूनिट का नेम है पेट्रियाटिज़म। ठीक है जी, पेट्रियाटिज़म का मतलब होता है हुब्बल वतनी। बच्चों जी, हुब्बल वतनी का क्या मतलब होता है? हुब का मतलब होता है मोहब्बत करना और वतन का मतलब होता है मुल्क। तो हुब्बल वतनी का मतलब हुआ अपने मुल्क से प्यार करना, या पेट्रियाटिज़म का मतलब हुआ अपने मुल्क से प्यार करना, हुब्बल वतनी। जैसा कि टाइटल से जाहिर है बच्चों कि हम इस यूनिट में हुब्बल वतनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि हुब्बल वतनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसे क्या मुराद दी जाती है। और इसके अलावा हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत की खातर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ठीक है जी बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी ट्रांसलेशन। पेज नंबर 13 पर आ जाएँ, पेज नंबर 13 ऊपर कर लीजिए। पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, एज़ यूजुअल जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, रीडिंग करेंगे, वर्ड्स मीनिंग उर्दू में पढ़ लेंगे और फिर ट्रांसलेशन करेंगे। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग ज़रूरी होती है, सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं जी, स्टार्ट करेंगे। पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदर लैंड एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। अ पेट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। द वर्ड पेट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा व्हिच मीन्स कंट्री मैन। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। Paragraph number 2. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. रीडिंग हो गई है बच्चों, अब इन दो पैराग्राफ्स में जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उन वर्ड्स के हम उर्दू मीनिंग जानेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 में जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में है मदरलैंड, डिवोशन, विलिंग, सेक्रीफाइस, अराइजेस, कंट्रीमैन, कंसिडर्ड एंड कमेंडेबल। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाएँ, स्ट्रेंथ, करेज, सेफगार्ड, इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी। ठीक है बच्चों, क्या वर्ड है? सॉवरेनिटी, 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 इंटेग्रिटी, ऑनर, सुप्रीम वैल्यूज, कंप्रोमाइज, रेंडर, सैक्रिफाइस एंड फाइनल वन इज प्रोटेक्शन। ठीक है जी बच्चों, अब हम वर्ड मीनिंग की तरफ चलेंगे। चलें जी बच्चों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म। ठीक है, हुब्बल वतनी ऐसे लिखा जाता है। पेट्रियोटिज्म यूनिट का जो टाइटल है उसका मतलब है हुब्बल वतनी। पैराग्राफ नंबर 1 की ये मीनिंग है, सबसे पहले है मदरलैंड। मदरलैंड कहते हैं मादरे वतन को। ठीक है, मादरे वतन किसको कहते हैं? अपने मुल्क को, जैसे पाकिस्तान हमारा मादरे वतन है। ठीक है जी, अराइसिस सामने आना या पैदा होना को अराइसिस कहते हैं। डिवोशन लगन को कहते हैं। कंट्री मैन हम वतन। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के दूसरे लोग हमारे हम वतन है ना, तो उसको हम वतन बोला जाता है। विलिंग का मतलब होता है तैयार रहना। कंसिडर्ड तसव्वुर करना, सैक्रीफाइस कुर्बान करना, और कमेंडेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ। ठीक है जी, ये पैराग्राफ नंबर 1 के मीनिंग्स हैं, क्योंकि हमने 2 पैराग्राफ की जो है वो की थी रीडिंग, और ये रहे सेकंड पैराग्राफ के मीनिंग्स। स्ट्रेंथ है सबसे पहले, इसका मतलब है कुव्वत। ऑनर का मतलब होता है वकार। करेज कहते हैं हिम्मत को। सुप्रीम का मतलब होता है आला। सेफगार्ड हिफाजत करना। वैल्यूज़ इकदार, इंटरेस्ट, मफाद, कंप्रोमाइज समझौता करना। सॉवरेनिटी हाकमियत को कहते हैं। ठीक है, रेंडर सरंजाम देना। इंटेग्रिटी सलमियत एंड द फाइनल वन इज प्रोटेक्शन विच मीन्स हिफाजत करना। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन करने से पहले अगर आप इन वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो ट्रांसलेशन में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, आपने इन वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों, और फिर ट्रांसलेशन की तरफ चलना है। ठीक है, अब हम अपनी बुक की तरफ वापस चलेंगे। चलें जी बच्चों, अब हम अपने बुक पे वापस आ गए हैं। पेज नंबर 13 अगेन ओपन कर ले, और अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। पेट्रियोटिज्म मीन्स, हुब्बल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से प्यार, और या डिवोशन टू वंस कंट्री, किसी की अपने मुल्क से लगन। पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार, या किसी की अपने मुल्क से लगन।
अ पैट्रियोट एक मुहिब्बुल वतन लव्स हिज कंट्री अपने मुल्क से प्यार करता है एंड और इज विलिंग तैयार रहता है टू सैक्रिफाइस कुर्बानी देने के लिए व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पड़ती है. अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेज. एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. The word patriot comes from the Latin word patriota. Loves patriot लातीनी ज़ुबान के loves patriota से निकला है. Loves patriot लातीनी ज़ुबान के loves patriota से निकला है. Which means जिसका मतलब है countryman हम वतन. जिसका मतलब हम वतन है. Loves patriot लातीनी ज़ुबान के loves patriota से निकला है जिसका मतलब हम वतन है. इट इज़ कंसिडर्ड ये समझी जाती है कमेंडेबल एक काबिल तारीफ क्वालिटी खूबी. इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी ये काबिल तारीफ खूबी तस्वर की जाती है या समझी जाती है भी कर सकते हैं. ठीक है जी पैराग्राफ नंबर टू पे आ जाएंगे. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड द करेज. हुब्बुल वतनी लोगों को कुव्वत और हिम्मत देती है. ठीक है किसका मतलब होता है देना स्ट्रेंथ कुव्वत करेज हिम्मत. टू सेफ गार्ड हिफाजत करने की द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क के मफाद की. टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क के कंट्री एंड नेशन मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. हुब्बुल वतनी मुल्को कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए लोगों को कुव्वत और हिम्मत देती है. हुब्बुल वतनी मुल्को कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए लोगों को कुव्वत और हिम्मत देती है. फॉर अ पैट्रियट एक मुहिब्बे वतन के लिए द सॉवरेंटी हाकमियत. ठीक है सॉवरेंटी कहते हैं हाकमियत को. इंटेग्रिटी कहते हैं सालमियत को. एंड और आनर रिकॉर्ड द कंट्री मुल्क का आर होती है. सुप्रीम वैल्यूज आर लाइक दार ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. बा मुहावरा करेंगे जी. फॉर अ पैट्रियट द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड. एक मुहिब्बुल वतन के लिए मुल्क की हाकमियत सलमियत और वकार वो आला इकदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस मुहिबाने वतन. ठीक है ऊपर सिंगुलर था अब पैट्रियट्स यहाँ पे प्लूरल आ गया. पैट्रियट्स मुहिबाने वतन बहुत से मुहिबाने वतन के बारे में बात हो रही है. पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस मुहिबाने वतन कुर्बानी देते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन कायम रखने के लिए एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए ऑफ दिस वैल्यूज़ इन इकदार की. पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूज़. मुहिबाने वतन इन इकदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत करने के लिए कुर्बानी देते हैं. ठीक है जी मुहिबाने वतन इन इकदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं. इसके साथ ही जी आज का हमारा ये लेक्चर एंड होता है बेटा जी. हमने सेकंड यूनिट के फर्स्ट टू पैराग्राफ की स्टडी की है. ठीक है जी इसके अलावा ये दोनों पैराग्राफ मेरे पास उर्दू में रिटन फॉर्म में भी मौजूद है. मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों. ये बच्चों अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता तो पैराग्राफ नंबर वन की ट्रांसलेशन आपके सामने रिटन फॉर्म में मौजूद है. ठीक है जो है आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसकी स्टडी कर सकते हैं. ठीक है ये पैराग्राफ नंबर वन है और ये पैराग्राफ नंबर टू. ठीक है जी आपको कहीं से भी कुछ समझ नहीं आती तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसकी स्टडी कर सकते हैं. आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पैराग्राफ नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.